तुम बाबूजी लोगन से हमारी शादी की बात काहे नहीं करते? अरे हमारी जान जोखिम में काहे डाल रही हो? तुम्हें पता है ना हमें बाबूजी से बहुत घबराहट होती है। काहे घबराते हो? सीसा पगाना झगाता न पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाई उपाहन के नहीं सामा बाबूजी आवत है अम्मा के साथ में वीरा को अब भगवान बचाना। हम तो नहीं घबराते। जब तुम बाबूजी से मिलोगी तो क्या कहोगे? जब हम आपके बाबूजी से मिलेंगे हम तो कह देंगे बाबूजी आ गए कि हमें आपके बेटे से शादी करनी है, जल्दी से प्लीज। बाबूजी आ गए, मम्मी भी साथ में, लो बात कर लो, हम नहा के आते हैं। लो पकड़ो। कौन है वो? बाबूजी ललन। ललन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लड़की कौन है? शिव प्रताप सिंह जी की बेटी है। शिव प्रताप सिंह की बेटी? मुस्कान। शिव प्रताप। अरे ठाकुर साहब, आप क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बेटी पैदा की है तो उस पर नजर रखा करो, उसे अपने घर में रखा करो। क्या किया उसने? मेरे बेटे के साथ नाच गा रही है, उसके साथ इश्क लड़ा रही है आजकल। मेरी बेटी और ये सब? मैं माफी चाहता हूँ ठाकुर साहब, मैं खुद अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। तुम क्या सजा दोगे उसे? तुम्हारी बेटी को सजा तो अब मैं दूंगा, एक ऐसी सजा कि जिंदगी भर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लिए खाना पकाती रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं। सुनो ठाकुर, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। सच ठाकुर? मैं ठाकुर शिव प्रताप सिंह नर्वस आ गए थे ना? हाँ यार, मैं नर्वस आ गया था। हे भगवान, बुला रहे तुम्हें? नहीं मां, मैं नहीं आऊंगा। आओ तो सही। अरे पहले पूछो तो सही, गोली मार के आए, गाली दे के आए, करके क्या है? तुम खुद पूछ लो ना, तुम्हें बुला रहे। नहीं मां मुझे। अरे डरो मत, मैं हूं ना। ये तुम्हारी कोई उम्र है प्यार करने की? नहीं बाबूजी। तो क्या हमारी उम्र है प्यार करने की? जी हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है मुस्कान के साथ, अब चलो खाना खा लो। बाबूजी वेरी गुड चॉइस, अब तो हर बच्चे हमसे ज्यादा खूबसूरत होंगे। तुम इन मुझ में बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? नाम वीर है, ठाकुर खानदान के हो, और मुझे नहीं है। बाबूजी के मुझे देखी क्या लगती हैं? मैं भी तो देखूं तुम कैसे लगते हो। आ हा हाय, क्या लग रहे हो, देखो देखो देखो, दुई मच लग रहे हो। हाँ, चटनी भी ले ले। हाँ लेते ना, क्यों नहीं। बाबूजी कितना हुआ? सब मिला के 105 रुपया। बाबूजी 105 ठग रहे हो क्या? ठिंगने, नाटू, काट, गिठान, ये नौगोटिया, मिलना मत कभी साले। बैठ तेरे को रोक, दगा बता दो। लग जाएगी। ऋतिक रोशन। हाँ, मिले मैं? मैं तो इन्हीं के साथ फोटो खिंचवाऊंगी। हाँ। मुस्कान, मैं इनके साथ खिंचवा लूँ तस्वीर? हाँ, उनके साथ। लेकिन तुम उनके साथ खिंचवा रही हो, मैं इनके साथ खिंचवा लेता हूँ। मेरी बात और है। क्यों? अगर उनके साथ इतना ही फोटो खिंचवाना था तो शादी क्यों नहीं कर लेते उनके साथ? मैं तो चली। हाँ। अरे? हमने कहा हम जा रहे हैं। मुस्कान, हम तो सिर्फ इनके बहुत बड़े फैन हैं, बस। और भला तुमसे खूबसूरत कोई है इस दुनिया में? सॉरी हम झूठ बोले रहे, बस सिर्फ ही बखत के लिए। शिव प्रताप, यू आर वेरी लकी मैन, तुम बहुत नसीब वाले हो। वो कैसे? तुम्हारी बेटी हमारे घर बहू बनकर आ रही है। अरे हम तो लकी हैं, तुम तो वेरी वेरी लकी हो। है? क्योंकि हमारी बेटी बहू बनकर के तुम्हारे घर आ रही है। और वैसे एक बात बताएं ठाकुर, हमारी बेटी ने आज तक अपनी आंख उठाकर किसी भी मर्द की तरफ नहीं देखा। तुम बिल्कुल अंधे हो, मैंने देख लिया। क्या देख लिया? वो देखो, तुम्हारी बेटी बेशरम उस मुच्छड़ के साथ बाहों में बाहें डालकर इस मेले में घूम रही है।
हाँ ठाकुर। कौन है वो? हमको क्या मालूम, हम तो इस मुच्छल को पहली बार देख रहे हैं और आखिरी बार। अरे बाबूजी, कौन है तू? किस गांव से आया है? बाबूजी, मेरी बहू के साथ क्या कर रहा है? अरे बाबूजी, अरे क्या बाबूजी? अरे बाबूजी, हम तुम्हारे जिगर के टुकड़े तुम्हार लाडले हैं बाबूजी, वीर। अरे हमारे बेटे का मूछ नहीं है। ये लो बाबूजी। हमको माफ कर दे बेटवा, हम तनिक कंफ्यूज आ गए थे। वैसे किस बेवकूफ ने तुमको ये सुझाव दिया था? बाबूजी, मुस्कान ने। तुमने कहा था मूछ लगाने को? बाबूजी मैं नहीं, लल्लन। बाबूजी हमने क्या किया? हम तो ये बताने आते दंगल शुरू होने वाला है, आपने यही शुरू कर दिया। राजगढ़ और जूनागढ़ के निवासियों को लल्लन का दंगलिया प्रणाम, और लीजिए कर्नल अंकल की तरफ से फौजिया सलाम। ये रहे हमारे राजगढ़ के चहेते पहलवान मल्हार सिंह। इनके बारे में प्रसिद्ध है दोस्तों, मजा रहे इन्होंने कभी हाड़ी के दूध को हाथ भी लगाया हो। ये सीधे भैंस के थन से दूध पीते हैं। और ये रहे हमारे जूनागढ़ के चहेते पहलवान, क्या नाम इनका? ओए सेवक राम। सेवक राम जूनागढ़ में इनका नाम। जय बजरंगबली। इनका ये पहलवान तो बहुत ताकतवर है, लेकिन शरीर से कुछ नहीं होता, साथ में दिमाग और फुर्ती होनी चाहिए और दांव पे जाने चाहिए। ओ मल्हार सिंह, जा फिर जा, उठा के पटक दे यहाँ। पिछवाड़ा कहा दिखा रहे हो, जा तुम में से लड़ो एक। क्यों ठाकुर, लगता है कि राजगढ़ में किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, अपनी हार मान लो। हमारे सारे पहलवान डंकी निकले, अब हम ही आवत हैं। अरे ओ ललनवा। हाँ बाबूजी। हमरा नेम अलाउंस कर दो। अरे, अरे बाबूजी को क्या हो गया? रीका करे बाबूजी, देखो कितना कर रहे बाबूजी। अरे कुछ नहीं होता, 2 सेकंड में उठा के पटक देंगे हम। हाँ बाबूजी मचाओ। अरे कुछ नहीं होगा, हम अभी आवत हैं। आ रहे हैं ठाकुर। क्या नाम है बाबूजी? अरे ठाकुर पुण्य प्रताप सिंह। ठाकुर पुण्य प्रताप सिंह। आप क्या होगा? क्या होगा अंकल, हमें तुम डालना पड़ा। शबाश।
शाबाश मित्र, तूने कमाल कर दिया वीर, तूने कमाल कर दिया। बाबूजी, ये क्या? अरे बेटा, ऐसी छोटी मोटी तो लगती रहती है ना। वीर मेरे बच्चे, तूने तो वाकई कमाल कर दिया, लेकिन ये सब तूने किया कैसे? पता नहीं, उसने बाबूजी पे हाथ उठाया और अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लड़ना तुमने कहां सीखा? अरे शेर के बच्चे को शिकार करना थोड़ी सिखाना पड़ता है। अरे खा के पराठे बहुत किए, कराते ही हूं। अब हमारा लव तो हार्ली और भी बढ़ गया है। अच्छा ई का कर रहे तुम? बाबूजी, क्या बात है बेटा? बाबूजी मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मैं आपके पास आके सजाऊं? आजा बेटा, आ। कमाल है ठाकुर पुण्य प्रताप सिंह का बेटा, नाम वीर, इतने बड़े पहलवान को चित कर दिया और अंधेरे से डरता है। चल सो जा। हाँ हाँ, वीर भी साथ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, शादी तो उसी की होने वाली है ना। हाँ ठीक है, हाँ बाय। बाबूजी ईलो और पीलो, माँ तुहार वास्ते खास बना के भेजी अंडा दूध और वो भी विदाउट सुगर। का है? घर की लड़ाई के बाद साबित होई गवा कि एकर जरूरत तोहे है। बेटवा जानो तो किसका फोन आया रहा? नहीं बाबूजी, तुहार होए वाले ससुर जी का। का कहें ससुर जी? वो कहत रहे कि लंच टाइम पर खाने के लिए आ जाओ, वीर को साथ में ले आओ, सब लोग मिलना चाहते हैं। तो आप का बोले? हम कहे बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन अगर तुम ये दूध नहीं पियोगे हम तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। बाबूजी हमका एक बात बताओ। हाँ। तुहार सबसे बड़ी खुशी के में है? तुहार खुशी में, हमार खुशी में। हाँ। हमार बाबूजी खुशी हमार खुशी। हाँ। में बाबूजी हमार खुशी ई है कि ई दूध आप पी ले। बेटवा ब्याह किसका होने वाला है? बाबूजी तुहार जिगरी दोस्त की बेटी मुस्कान का। किसके साथ? बाबूजी तुहार जिगर का टुकड़ा, तुहार लाडला, हमार साथ। बाबूजी हमार साथ, भूल गए? तो बेटवा इका जरूरत हमका ज्यादा है कि तुमका? बाबूजी आज साबित हुई गवा। ऐसी बात मत कर बेटा। अच्छा, माँ ने मुझसे कहा है कि जो आपकी शादी माँ से हुई थी तो हमारे दादाजी आपको बादाम पिस्ते का दूध पिलाया करते थे, है ना? ये का बाबूजी, आप हमको ये अंडा दूध और वो भी विदाउट सुगर, आप जानत हैं मुर्गी हमको देख के चोच मारत है और भैंस देख के लात। सच? जी बाबूजी, हम खाते थे। नहीं बाबूजी, मैं आपको चोच लात नहीं खाने देंगे। नहीं लात हम खाएंगे, चोच हम खाएंगे। नहीं बाबूजी, हम चोच लात नहीं खाने देंगे। अरे देते बेटा, मैं बोल रहा हूँ, कसम दे रहा हूँ मैं। अच्छा तो फिर लो पी लो विदाउट सुगर, हम चलते हैं। कल वो पहलवान हमका चित कर दिया, आज हमार बेटवा हमका पट कर दिया। पी जा भैया। अरे तेरी राम 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 राम। पता नहीं हमार बेटवा इसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये तो बहुत ही बुरा है।